हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांज मशीन पे। सो गाइस, जैसे कि आज हमने देखा था कि आज एक्सपायरी थी थर्सडे की, और मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती थी। मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों लेवल्स बताए थे बाय और सेल के, किस लेवल के ऊपर जाता है तो बाय करिए, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉसेस है, और अगर उस लेवल के नीचे जाता है तो क्या अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रखने हैं, वो सब मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने सुबह 8 बजे भी अपने टेलीग्राम चैनल पे उसे डाल दिया था कि आप लोगों को वो जो लेवल्स हैं वो लेवल्स पता चल जाए, अगर आपने उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करा हो, और जो मैंने आपको सिस्टम सिखा रखा है कि किस टाइम आपको ट्रेड लेना है, कैसे कौन सी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे तब हमें ट्रेड लेना है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया होता तो आप दोनों साइड में पैसा अच्छे से कमा सके थे, आप दोनों साइड में बहुत अच्छे से पैसे कमा चुके होते, और आप नीचे डाउन साइड में भी आपने पूरा का पूरा पैसा कमाया होता और ऊपर साइड में भी आपने पूरा पैसा कमाया होता। अब हम देखते हैं कि फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। एक्सपायरी के अगले दिन, इस वीक का लास्ट डे है, तो हमें किस दिन किस तरीके से ट्रेड लेना है हम वो बात करेंगे। 5 स्टॉक्स आपको बताए गए थे, जिसमें से एक जो स्टॉक था जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, और हमारे जो चार थे, चार के चारों के हमारे टारगेट हिट हुए। अब इसकी आपको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी शेयर करी जाएगी। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये 5 स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर आया था आज के लिए, कि जो आपको आज पे ट्रेड करना था। डिविज लैब शॉर्ट की सलाह दी थी, जो मैंने आपको बोला था कि 1673 के आसपास आप शॉर्ट करना, और 1660 का हमारा टारगेट होगा। हम आपको दो टारगेट प्रोवाइड कराते हैं, पहले और दूसरे। हम आपसे जनरली कहते हैं कि आप फर्स्ट टारगेट पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो सेकेंड टारगेट तक मेंटेन करे रखे हैं। तो 1660 का टारगेट था, जो कि हमारा मीट हो गया था, टारगेट अचीव हो गया था। सिप्ला की बात करें तो 1448 पे हमने बाय की सलाह दी थी, और 1458 का टारगेट था 10 रुपये ऊपर, जो कि सिप्ला का भी टारगेट अचीव हो गया था। कोटक बैंक की बात करें तो गाइस, कोटक बैंक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, और इस पर हमें स्टॉप लॉस हिट होने की हो गया था। टाटा एलेक्सी की बात करें तो टाटा एलेक्सी पे हमने आपको शॉर्ट की सलाह दी थी, जिसका टारगेट अचीव हो गया। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 220 रुपये पे आपको बिकवाया था, 210 का टारगेट दिया था, जो कि अचीव हो गया था, और इसके बाद हमारे लिए अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दोबारा बाय बन चुका है। दोबारा हमारे लिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय बन चुका है, क्योंकि एग्जैक्ट जो 210, 209, 8, 200, ये 210 से 208 के बीच में जो रेंज थी, उस रेंज पे हमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को बाय करना था, क्योंकि इस पे एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बना है, और यहाँ से इसका जो रिवर्सल है वो, यहाँ से इसका रिवर्सल कम से कम 225 से 240 तक जा सकता है, और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद ये 25 से 30% की मूवमेंट दे सकता है। तो मैं ये नहीं कह पा रहा, क्योंकि चार्ट जिस तरीके से दिखा रहा है, जो इसका डाटा दिखा रहा है, वो डाटा सजेस्ट कर रहा है कि कम से कम इस पे अब हम 10 से 15% की एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो दोबारा बाय है। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्टॉक्स की तरफ, तो कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने हैं। सबसे पहला है HDFC बैंक। HDFC बैंक गाइस बाय करके चलिएगा। 1274 का इसका क्लोजिंग प्राइस है, 1274 पे ही बाय करना। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत डिप भी कल ये प्रोवाइड कराएगा, तो डिप पे भी आप बाय कर सकते हैं इसको। 1270 का इसने पर्टिकुलरली एक ब्रेकआउट दिया है चैनल से, जिस चैनल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, तो एक बाय बनता है इस पे। और 1263 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 1279, 1287 तक के टारगेट्स हम HDFC के अंदर मीट करते हुए देख सकते हैं। सिप्ला बाय करने की सलाह दी जाएगी। देखिए, आपको सिप्ला मैंने आज भी दिया था बाय करने के लिए, और मैं अभी कल के लिए भी आपको बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। क्लोजिंग इसकी जो हुई है वो 451 के अराउंड हुई है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस पहले 443 था वो मैंने 455 कर दिया है, और जो मेरे टारगेट्स थे 458 तक, उसे मैंने 4 रुपये ऊपर बढ़ा के 462 तक कर दिया, जो कि मुझे लगता है ये जा सकता है। और अल्टीमेट टारगेट इसका जो है वो गाइस 480 का है, जो कि मुझे लगता है इस एक्सपायरी से पहले पहले आ जाना चाहिए, और ये मैंने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है। जो भी गाइस मैंने आपको कल अपने स्टॉक्स पे दिए थे, मैं एक बार आपको बैक लेकर जाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिप्ला की, टाटा एलेक्सी की, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की, और भी कुछ स्टॉक्स हैं, तो वो मेरे पोर्टफोलियो, वो मेरे अपने इस एक्सपायरी के लिए मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं,
और जिसमें से HDFC बैंक भी मैं कल बाय करूंगा एक बार चेक करके। सिप्ला के बाद आता है गाइज ल्यूपिन। ल्यूपिन भी हाँ बिल्कुल मेरे उस पर है, ल्यूपिन भी बाय करने की आपको ही सलाह दी जाएगी। 738 इसका CMP है, 724 के अराउंड, 725 के अराउंड मैंने बाय कर रखा है गाइज। मैं थोड़े लोअर लेवल्स पे, यानी कि जो मैंने थोड़े नीचे के लेवल्स पे बाय करे हैं, और वो मैंने पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बाय करवाए होंगे, क्योंकि ये थोड़े जो गाइज ये हैं ये रिस्की ट्रेडर रिस्की स्टॉक्स हैं, और मैंने थोड़े रिस्की प्राइस पे बाय करे हुए हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस बनता है वो अब बनता है, कल के लिए बाय करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बनते हैं। पर मैंने लोअर लेवल्स पे बाय करा था एक रिस्क लेके, क्योंकि वो लेवल अगर टूटता है तो बहुत नीचे जाने की इनकी प्रोबेबिलिटी थी। तो अभी भी ये बाय है मेरे हिसाब से, 738 तक तो पहुँच ही गया 724 से, तो 740 के ऊपर निकले। 740 एक थोड़ा बहुत इसका साइकोलॉजिकल हर्डल है और चार्ट्स में भी हमें दिख रहा है, तो अगर ये ऊपर होता है 740 के सस्टेन करता है तो 746 752 भी दिख सकता है, और इसके 809 तक के टारगेट्स या 790 तक के टारगेट्स भी ल्यूपिन के अंदर मेरे लिए इंटैक्ट है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जैसा कि आपको बताया गया है 211 की क्लोजिंग है, 204 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ये वॉलेटाइल स्टॉक है, तो बहुत केयरफुली ट्रेड करिए इसे। 218-224 मुझे लगता है कि ये कल या परसों तक दिखा सकता है आई बुल हाउसिंग फाइनेंस, और ये हम कह सके इतना डीप हो चुका है यार, ये इतना गिर चुका है, और अब मुझे लगता है कि ये संभलना चाहता है और संभल सकता है। चार्ट्स में भी दिख रहा है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, अपना बेस बना रहा है, अब यहाँ से अगर इसमें मूवमेंट आती है तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। लास्ट आता है मारुति। मारुति एक स्टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी हम देख सकते हैं मारुति बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिस तरीके से इसका चार्ट शो कर रहा है, तो मैं आपको एक कल इंट्राडे के लिए ही बाय करवा रहा हूँ, या फिर कल इसे एक बार वॉच करिए, देखिए कि हमारे लेवल्स तक आता है तो बाय करिए, और सस्टेन करता है अपने कल अगर ग्रीन हरे निशान पे ही ऊपर सस्टेन करता है तो इस पर एक बाय पोजिशन बनाइएगा। 72.45 CMP, 72.68, 72.95 तक का हमें एक टारगेट इसमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि आ सकता है। 71.95 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो गाइज ये पांच स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, कल ट्रेड करना है, इसकी सारी डिटेल साइड बाय साइड निफ्टी बैंक निफ्टी के परफेक्ट लेवल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ट्रेड डीलर्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और आप डिस्क्रिप्शन पे भी जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, वहाँ पर आप उसे को एक बार जाके पढ़िएगा जरूर, आपको फर्स्ट 10-20 लाइंस पे ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जाके रीड जरूर करिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मेरे ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पर मैं आपको वहाँ पर प्रॉपरली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे चार्ट्स पे ऐसा क्या शो कर रहा है। और तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में जो बताया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था और उसके अकॉर्डिंग वर्क करा नहीं करा। गाइज देखिए, मैं निफ्टी पे अभी ज़्यादातर ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादातर निफ्टी पे ट्रेड नहीं करता जब तक मुझे 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट ना मिले। मैं जनरली जो ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ, निफ्टी पे भी ट्रेड करता हूँ, इन द सेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं हेज करके चलता हूँ बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं निफ्टी पे, कल देख सकते हैं कल की मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी इस रेड कैंडल पे, ये जो छोटी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है ये कल की मार्केट की क्लोजिंग थी। आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि अगर आपको जो क्लोजिंग थी अराउंड हुई थी 11,840 पे, आपको बताया गया था गाइस 11,860 पे आपको मिलता है तो एक बार शॉर्ट बनाइएगा, और वहाँ पर जो आप लेवल्स देख सकते हैं वो लेवल्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताए थे, वहाँ तक हम पर्टिकुलरली जाते हुए देख सकते हैं और हमें लगता है कि वहाँ तक दोबारा एक बार जा सकता है। तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो मैंने बताए थे कि 770 740 700 तक के लेवल्स तक वो जा सकता है, पर गाइज जिस तरीके से मैंने आपको बताया था तो आप देख सकते थे कि इसने जो अपना लो मारा वो मारा अराउंड 11,800 तक। अब गाइज हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कल के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैनल को, इस पर्टिकुलरली चैनल को नीचे की तरफ से ब्रेक करा, ऊपर गया चैनल पे, इसने इस चैनल के अंदर दोबारा एंटर करा, ऊपर जाने में कामयाब नहीं हुआ, शैडो छोड़ी, अगर ऊपर इसके ऊपर निकलता
और निकला जैसे जिस तरीके से निकला ये 11,882 के ऊपर निकला, तो आप लोग सोच लेते कि मैं बाय कर लूँ। तो गाइस आप हमेशा फंसते हैं। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आपको इस लेवल चैनल के ऊपर या कोई लाइन आपको बताई जा रही है उसके ऊपर या नीचे, तभी आपको ट्रेड लेना है। जब तक वो उसके ऊपर उसकी जो बॉडी है, जो कैंडल की बॉडी है, वो क्लोज नहीं करती है, तभी आपको उस पर ट्रेड लेना है, वरना आप फंस चुके होते और देख सकते थे किस तरीके से वो नीचे चला गया दोबारा। सो गाइस अब दोबारा इस चैनल के अंदर आ गया है। कल के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, एक चैनल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का एक काम कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो एक पर्टिकुलरली पैटर्न टाइप भी बन रहा है जो हम मान के चल सकते हैं कि वो हाँ बन सकता है। तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है गाइस, जो मुझे लगता है कि एक बार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने नीचे की तरफ एक डाउन ब्रेक डाउन दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, पर अब एक जूम करके चलते हैं। जिस तरीके से चार्ट दिखा रहा है उसका, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, नीचे ऊपर आया, इस लेवल पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी, दोबारा नीचे गया, दोबारा ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि वो नीचे नहीं रहना चाह रहा, नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि अगर इस लेवल पे ये दोबारा हमें मिलता है शॉर्ट करने के लिए, तो कम से कम इसको अपने प्रीवियस लो को तोड़ देना था, 30 मिनट चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके नीचे जाना चाहिए था। पर ऊपर हम देख रहे हैं बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 11,890 के ऊपर जाता है, 890 के ऊपर क्लोज करता है 30 मिनट चार्ट्स पे, तो एक बाय बनता है, और जो बाय बनता है वो मुझे लगता है कि दोबारा इसे 11,950 तक लेकर जा सकता है, और 12,020 तक लेकर जा सकता है। अब बाय की लेवल्स मैंने आपको बता दी हैं, बाय के लेवल्स मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, 11,900 के ऊपर ही आप समझ लीजिए बाय करने के लिए, या 11,890 के ऊपर समझ लीजिए, 11,890 के ऊपर आपको मिलता है बाय करिए, 11,945-12,020 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी, यानी कि जो 21 तारीख को एक्सपायरी होगी तब तक। उसके बाद अगर हम शॉर्ट की बात करें तो मैं शॉर्ट की सलाह आपको तभी दूंगा जब ये इस पर्टिकुलरली नेकलाइन को ब्रेक करती है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, आप 30 मिनट चार्ट्स पे जाके आप खुद भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सुबह आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अगर ये इस पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अगर ये 11,822 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आप एक बार शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करिए। शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करने के बाद जो मुझे लगता है कि ये दोबारा अपने उसी लेवल्स तक जा सकता है, 770, 740 और 700 के लेवल्स तक एट द एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के एंड तक मुझे लगता है वो जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो गाइस बैंक निफ्टी पे भी मैं आपको बता चुका था कि एक पर्टिकुलरली एक साइफर पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी डार्क कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल आपको मैंने अपनी वीडियो पे बताया था कि ये देख सकते हैं कि एक साइफर पैटर्न बन रहा है, ये देख सकते हैं एक साइफर पैटर्न बन रहा है, तो ये पर्टिकुलरली काउंटर यहाँ तक जा सकता है। कल मार्केट में इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी थी, इसने जो क्लोजिंग दी थी वो एग्जैक्ट इस लेवल पे क्लोजिंग दी थी, और मैंने आपको बताया था गाइस कि आपको एग्जैक्ट इस लेवल पे बाय करना है, 30,620 के आसपास आपको बाय करना होगा इसे। और अगर आपको याद होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे गए होंगे, एग्जैक्ट मैंने 8:30 बजे वहाँ पर बता दिया था कि आपको 30,610 के आसपास शॉर्ट कर देना है बैंक निफ्टी को, और वहाँ पर जो आप देख सकते हैं लेवल्स वो आपको नीचे के दिख जाएंगे। कैसे, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो कल की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको इसी लेवल पे एक शॉर्ट की सलाह दी थी, और जो मेरा टारगेट था वो यही टारगेट था जो कि हमें अचीव हो गया था। मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना के दिखा देता हूँ कि आपको क्लैरिफिकेशन एक बार और अच्छे से मिल जाए, और वही हमारा एक बेस्ट रेट है। उसके बाद एक पैटर्न और डेवलप हो रहा है, वो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची के बारे में एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर मैं 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल लूंगा जो साइफर पैटर्न के लिए इम्पोर्टेंट होता है जी गाइस। अब आप देख सकते हैं ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, अपने 78% और 61% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आई। मेरा लेवल आपको पता था यही है, तो अब मैंने आपको इस लेवल पे शॉर्ट की सलाह क्यों दी, एग्जैक्ट इस लेवल पे आप देख सकते हैं 50% इसने 50% और 61% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे बीच में काम कर रहा था। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये इसके नीचे जाता है,
यानी कि 30,465 के नीचे जाता है, और तो शॉर्ट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 30,400, 30,350 और 30,250 के। तो हमारे 30,350 तक के टारगेट्स अचीव हो गए थे। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 50% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ता है तो एक बाय पोजीशन बनाइएगा, और बाय पोजीशन बनाने का जो आपका पहला टारगेट होगा, वो पहला टारगेट होगा 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, और उसके बाद होगा 30,800 जो कि आज का हाई क्या है, आज का हाई है 30,788 का, यानी कि 12 पॉइंट्स हम रह गए, वरना हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हो गए थे। अब नया क्या बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम अब उसकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने हाई से स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, और अब ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कि ये यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है। तो अब कैसे जा सकता है, ये देखिए, ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न हमें कहते हैं कि एक जो पर्टिकुलरली जो पैटर्न में एग्जूम करके चल रहा हूँ, अभी पैटर्न डेवलप नहीं हुआ, पर मुझे अंदर से लगता है या चार्ट्स पैटर्न देखकर लगता है कि ये शायद पैटर्न डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ तक जा सकता है, और इस पैटर्न को कहते हैं हम बियरिश गार्टले पैटर्न। बियरिश गार्टले पैटर्न के लिए इस पर्टिकुलरली ट्रेंड को ऊपर तक जाना पड़ेगा, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि गिरावट आएगी और नीचे तक तोड़ देगी। तो हम इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे, वो लेवल मैं अब आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी कल कहाँ तक जा सकता है और क्या हमारे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। अब देखिए गाइज, मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोबारा ड्रॉ करूंगा, क्योंकि गाइज ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, और हार्मोनिक पैटर्न्स के साथ अगर आप फिबोनाची यूज़ नहीं करेंगे तो आप कभी भी ट्रेड पे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो बिल्कुल फिबोनाची को समझना ज़रूरी है, और यही पैटर्न्स हैं जो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के देते हैं। 1:3, 1:4 तक का भी रेशियो आपको देकर जाती है ये। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी कैपेसिटी है, पहला टारगेट जो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ। अब आपको मैं निफ्टी के लेवल्स बता रहा हूँ, निफ्टी के लेवल्स पे सिर्फ ध्यान दीजिए। कल अगर ये 30 मिनट चार्ट्स पे 30,770 के ऊपर बंद होता है, 30,770 के ऊपर 30 मिनट चार्ट्स पे पॉजिटिवली बंद होता है, तो बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 30,870, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 31,000 का। यानी कि अगर आप 30,770 के ऊपर बाय करते हैं तो वहां से आप 200 पॉइंट तक का टारगेट्स आराम से अचीव करके चल सकते हैं। उसके बाद अब हमें शॉर्ट, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 30,640 का, इस 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे। बाय के लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, और मुझे लगता है कि उस लेवल तक ज़रूर जाएगा, तो शॉर्ट की मुझे सलाह भी नहीं लगती है, पर हम शॉर्ट तब भी लेकर चलेंगे। शॉर्ट कब लेंगे, जब ये 30,640 के लेवल को ब्रेक करती है, उसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम एक बार शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 30,760, एंड द टारगेट्स हमारे जो होंगे वो हमारे टारगेट होंगे अराउंड 30,350 और 30,250। तो ये पर्टिकुलरली आपको मैंने बता दी हैं, अच्छे से एक बार और क्लैरिफाई मैं आपको कर दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के, जब कल सुबह लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जाके सर्च करिए ट्रेड डीलर्स, या आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, आप नीचे यहाँ पर ट्रेड डीलर सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर ये लिख के, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हुई है, और आपको कल सुबह तक चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी पसंद आती हैं, और मेरे आप पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, और मैं आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा लेकर आऊँ कोई स्टॉक पर। अगर आपको वीडियो चाहिए पर्टिकुलरली कोई स्टॉक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और येस बैंक, ये दो स्टॉक हैं जिसकी मैं अपकमिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं, एक दो दिन पे वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, चाहे यूट्यूब पे आ जाएगी, और उसके परफेक्ट कब बाय करना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉसेस है, क्या कितना नीचे जा सकता है अगर वो लेवल तोड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा गाइस।